सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे चैप्टर 8 के बारे में, और चैप्टर 8 है डेटाबेस कॉन्सेप्ट। इसका पार्ट 2 आज हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 8 का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस की क्यों नीड हुई, फाइल्स क्या होती हैं, फाइल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आती है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस करी थी। सो आज इस वीडियो में चैप्टर 8 का पार्ट 2 यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो में इस चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट डिस्कस करेंगे, यानी कि चैप्टर 8 को इस वीडियो में कंप्लीट यहाँ पे करेंगे। ऑलराइट, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आप वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। ऐसा करना बिल्कुल फ्री है। ऐसा करने से क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। और अगर आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपको इस पूरी सीरीज़ में कहीं भी किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आपकी क्वेरी है, कोई आपका डाउट है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स का, सारे मैसेज को रीड करता हूँ और उन सब का रिप्लाई भी यहाँ पे करता हूँ। जो भी कुछ मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, जो भी क्लास नोट्स होते हैं, जो भी स्टडी मटेरियल्स होता है, वो सारा कुछ मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देता हूँ। सो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारा जो PDF वगैरह है, क्लास नोट्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है, वहीं पर मैं प्रोवाइड करता हूँ। ऑलराइट, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम और ज़्यादा लोगों तक यहाँ पर पहुँच पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो हमसे कनेक्ट हो पाए। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट होंगे, जितनी ज्यादा हमारी फैमिली होगी, उतना ही यहाँ पे हमें पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और मुझे पढ़ाने में यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे डेटाबेस DBMS के टाइप। देखो, लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था DBMS क्या होता है, ये हमने देखा था। अब जो डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहा है, उससे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले की वीडियो को ज़रूर से देख लें, क्योंकि इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आप डायरेक्टली चैप्टर 8 के पार्ट 2 को डिस्कस करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। सो आप सारी वीडियोज़ को सीक्वेंस में देखें, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सारी वीडियोज़ को सीक्वेंस में देखें, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। सो एटलीस्ट पार्ट 1 है इसका, उसको तो ज़रूर देख लें अगर आप पार्ट 2 को डायरेक्टली देख रहे हैं, तो तभी आपको समझ आए। सो DBMS क्या होता है वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। DBMS का मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को मैनेज करता है, डेटाबेस को हैंडल करता है, वो कहलाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो यहाँ पे काफ़ी सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, उसका एग्जाम्पल भी मैंने लास्ट वाली वीडियो में देखा था। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे DBMS के टाइप के बारे में, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, और फिर हम आगे यहाँ पे एक टाइप को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। सो सबसे पहले बात करते हैं, देयर आर मैनी DBMS अवेलेबल एंड क्लासिफिकेशन इज डन बेस्ड ऑन डेटा मॉडल। यहाँ पे काफ़ी सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं, उनके टाइप्स अवेलेबल हैं, और वो किसके बेस पे क्लासिफाइड किए गए हैं, मतलब कि अलग अलग टाइप्स हैं, तो वो टाइप्स किसके बेस पे क्लासिफाई किए गए हैं, बेस्ड ऑन डेटा मॉडल। डेटा मॉडल के बेस पे उनकी अलग अलग टाइप्स में उनको डिवाइड किया गया है। अब बात यह आती है कि यहाँ पे डेटा मॉडल यहाँ पे क्या होता है। सो डेटा मॉडल इज यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, यानी डेटा मॉडल क्या होता है, डेटा मॉडल बेसिकली यहाँ पे बताता है कि जो डेटाबेस है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस एंड हाउ डेटा आर डिफाइंड, कैसे डेटा डिफाइंड किए जाते हैं एंड रिप्रेजेंटेड एंड स्टोर्ड। यानी डेटा मॉडल क्या करते हैं, डेटा मॉडल डिस्क्राइब करते हैं कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है, डेटा किस तरीके से डिफाइंड है, डेटा किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और किस तरीके से स्टोर्ड किया जाता है। यानी डेटाबेस में जब डेटा स्टोर करते हैं तो डेटाबेस को स्टोर करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग डेटाबेस का स्ट्रक्चर हो सकता है, तो उन्हीं के बेस पे यहाँ पे डेटाबेस को, यहाँ पे DBMS को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है।
ऑलराइट, सो कौन कौन से टाइप्स हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डीबीएमएस आर, ऐसे तो और भी डीबीएमएस के टाइप हो सकते हैं बट जो ज़्यादातर यूज में आते हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड डीबीएमएस हैं, उनके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे पहला हो जाएगा रिलेशनल डेटा मॉडल, यानी कि ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो रिलेशनल डेटा मॉडल पे काम करता है वो कहलाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये रिलेशनल डेटा मॉडल पे काम करने वाला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कहलाएगा? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको हम आगे की स्लाइड में और यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो नंबर वन हो गया रिलेशनल डेटा मॉडल, दूसरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, यानी ऑब्जेक्ट। अब देखो ये मॉडल्स पे बेस है, जैसे रिलेशनल डेटा मॉडल पे बेस्ड है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको क्या बोल देंगे यहाँ पे? उसको हम बोल देंगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो रिलेशनल डेटा मॉडल पे जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड है वो कहलाएगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसी तरीके से सेकंड हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, यानी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल पे बेस्ड है वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिंपल सी बात है, क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस। मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को शॉर्ट में डीबीएमएस लिख देता हूं। तो इसमें क्या ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है? इसमें जब जो डेटा स्टोर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा यहाँ पे स्टोर होगा। और नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट मॉडल, यानी कि ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो डॉक्यूमेंट मॉडल पे आधारित होता है वो क्या कहलाएगा? डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी इसमें डेटा है वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होता है। नंबर फोर है हायरार्किकल डेटा मॉडल, तो हायरार्किकल डेटा मॉडल पे जो बेस्ड होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो कहलाता है हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कहलाएगा हायरार्किकल डीबीएमएस, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और फिफ्थ हो जाएगा यहाँ पे एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल, तो ये क्या कहलाएगा? एंटिटी रिलेशनशिप, या मैं इसको ERDBMS भी यहाँ पे बोल सकता हूँ। सो ये अलग अलग डेटाबेस मॉडल्स के टाइप हैं, और अलग अलग मॉडल्स पे जो डेटा मॉडल पे बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो यहाँ पे उसके बेस डेटा मॉडल के बेस पे ही ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उनको क्लासीफाई किया गया है। पहला था रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी रिलेशनल डेटा मॉडल पे जो बेस्ड है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। थर्ड हो जाएगा डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फोर्थ हो जाएगा हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और फिफ्थ हो जाएगा एंटिटी रिलेशनशिप बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्लासिफिकेशन किया गया है कि डेटा किस तरीके से स्टोर किया जाता है। जैसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा क्या है? रिलेशन की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। रिलेशन का मतलब टेबल। सो डेटाबेस जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें डेटाबेस को किसकी फॉर्म में स्टोर किया जाएगा? रिलेशंस की फॉर्म में, यानी टेबल्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाएगा। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उनमें डेटाबेस में डेटा को किस तरीके से स्टोर किया जाएगा? उनमें ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाएगा। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उनमें डेटाबेस में डेटा को कैसे स्टोर किया जाएगा? डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट में हायरार्किकल फॉर्म में डेटाबेस में डेटा को स्टोर किया जाए। तो ये क्लासिफिकेशन है जो डेटा को किस तरीके से स्टोर किया जाता है उस पे क्लासिफाई किया गया, उस बेस पे जिसको बोलते हैं डेटा मॉडल। तो ये आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा, क्लियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। तो अब ये इतने सारे टाइप्स हमने देखे हैं, इनमें सिर्फ हम यहाँ पे जो पहला टाइप है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो यहाँ के सिलेबस में उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पहला टाइप हो जाएगा यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको शॉर्ट में DBMS लिखा हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? RDBMS भी बोलते हैं, RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। सो इसमें क्या हो जाएगा? अब मैंने आपको बताया था रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या हो जाएगा? डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस का मतलब क्या होता है? मैं स्लैश करके लिख देता हूँ, टेबल्स। यानी ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें डेटा है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड RDBMS, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्लियर हो गया आपको? अब हम इसमें कुछ टर्म्स हैं, इस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उनको हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करते हुए हम अच्छे से समझते हुए भी चलेंगे, विद एग्जांपल मैं आपको समझाते हुए चलूँगा।
ऑलराइट, सो पहला ही टर्म यहाँ पे आता है जो हो जाएगा रिलेशन। रिलेशन क्या कह रहा है, रिलेशन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था रिलेशन का मतलब क्या होता है, टेबल्स होता है। तो रिलेशन इक्वल क्या होता है, मैं सिंपल लिख देता हूँ टेबल, वो समझ आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपको समझ ना आए और मैं पढ़ाऊँ और आपको समझ ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। सो आपको ध्यान से समझना है रिलेशन क्या होता है। देखो ऐसी टर्म्स पूछी जा सकती हैं, जो टर्म्स नीचे दी गई हैं ये पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। सो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन टेबल कहलाता है। हमने देखा था रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा है वो टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है, यानी रिलेशंस की फॉर्म में स्टोर होता है। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सो अब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे मान लीजिए ये स्टूडेंट्स नाम की टेबल है हमारे पास, कोई स्टूडेंट्स नाम की टेबल है जिसमें कुछ डेटा स्टोर है, एक एग्जांपल लिया गया है। इस तरीके से यहाँ पे डेटा स्टोर होता है, जैसे स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट की एज, और ये उनकी डिटेल्स यहाँ पे स्टोर की गई। जैसे ये स्टूडेंट वन हो जाएगा, ये स्टूडेंट टू हो जाएगा, स्टूडेंट थ्री, फोर एंड स्टूडेंट फाइव एंड सो ऑन, ऐसे कितना भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो ये तो क्या हो गए, ये तो क्या हो जाएंगे भाई, डेटाबेस, इस डेटाबेस में, रिलेशनल डेटाबेस में डेटा टेबल की फॉर्म में स्टोर है, तो ये तो क्या हो गई, रो हो जाएंगे, ये तो क्या हो जाएंगे, रो, और ये क्या हो जाएंगे, कॉलम्स। भाई टेबल किससे मिलके बनी होती है, रोज और कॉलम से ही तो मिलके बनी होती है टेबल। टेबल में क्या होती है, रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, ये तो हो गई रोज और ये क्या हो गए, कॉलम्स। जैसे आईडी, नेम, मार्क्स, एज, ये क्या हो गए, कॉलम्स। यानी ये किसी भी स्टूडेंट के एट्रीब्यूट हो गए। जब स्टूडेंट को हम यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करवा रहे हैं तो ये कॉलम्स क्या हो गए, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट। जैसे स्टूडेंट की आईडी हो सकती है, स्टूडेंट का नेम हो सकता है, स्टूडेंट के मार्क्स हो सकते हैं, स्टूडेंट की एज हो सकती है, स्टूडेंट का एड्रेस हो सकता है, मोबाइल नंबर, कितने भी सारे हो सकते हैं, डिपेंड करता है डेटा कितना बड़ा है हमारे पास। समझने के लिए हमने सिर्फ यहाँ पे चार ही एट्रीब्यूट लिए हैं, आईडी, नेम, मार्क्स और एज। सो नेक्स्ट यहाँ पे टर्म हमारी आती है सेकंड एट्रीब्यूट या फील्ड्स। सो जो कॉलम होती हैं उनको बोलते हैं हम एट्रीब्यूट्स। मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख देता हूँ शॉर्ट में, कॉलम नेम। जो कॉलम के नेम होते हैं, जो कॉलम के नाम हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, या उनको क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे। जैसे आई डी, नेम, मार्क्स, एज, तो ये क्या हो गए, ये हो गए यहाँ पे, मैं इनके एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ। जैसे आई डी, नेम, एज, ये क्या हो गए, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आई डी, नेम, एज, ये क्या हो गए यहाँ पे, एट्रीब्यूट हो गए। इस टेबल की हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो एट्रीब्यूट क्या हो गए, जो टेबल हम स्टोर कर रहे हैं उसमें जो कॉलम्स हैं उनके जो नेम हैं उनको एट्रीब्यूट बोलते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं स्टूडेंट का डेटा, तो स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट हैं आई डी, नेम, मार्क्स, एज, ऐसी इंफॉर्मेशन जो स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करती है, स्टूडेंट के बारे में डिटेल्स या जानकारी देती है, वो क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूट कहलाएगा। सो एट्रीब्यूट्स और फील्ड आपको समझ आ गया होगा, ये कॉलम्स में स्टोर होते हैं और ये कॉलम का जो कह सकते हैं हेडिंग होती है वो कहलाता है यहाँ पे एट्रीब्यूट, उनको फील्ड भी यहाँ पे बोलते हैं। एट्रीब्यूट बोलो, फील्ड बोलो, दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट आता है थर्ड यहाँ पे टपल। अब टपल क्या होता है, टपल का एक मतलब होता है रो, बस सिंपल सा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट्रीब्यूट इक्वल कॉलम, ऐसे समझ सकते हैं, टपल इक्वल रो, बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ और बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। टपल का मतलब क्या होता है, रो। जैसे एक स्टूडेंट का पूरा डेटा एक रो में स्टोर करवा देंगे तो उस पूरी रो को क्या बोलेंगे, टपल यहाँ पे बोलेंगे डेटाबेस की फॉर्म में। तो जैसे मैं यहाँ पे, ये हमारे पास पूरी एक रो है जिसमें क्या है, कोई एक स्टूडेंट है उसकी यहाँ पे हमने डिटेल्स हैं वो स्टोर करवाई हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक रो हो जाएगी, या ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टपल हो जाएगा। ऑलराइट, ऐसे जितने भी रोज हैं वो जितने भी टपल्स हो सकते हैं, कितने भी टपल्स हो सकते हैं। सो कहने का मतलब है एक स्टूडेंट का पूरा डेटा, जैसे आई डी, नेम, मार्क्स, एज, जितने भी कॉलम हैं उन सबको मिला के एक रो बनती है और उस रो को ही यहाँ पे टपल यहाँ पे बोल। ये समझ आ गया होगा आपको, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, टपल क्या होता है। सो टपल, एट्रीब्यूट, रिलेशंस, समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशन मतलब टेबल, एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम के नेम, कॉलम के हेडिंग्स, टपल का मतलब रो, उसको बोलते हैं टपल। नेक्स्ट आता है यहाँ पे फोर्थ, डोमेन। डोमेन देखो, कोई भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके डेफिनेटली पूछ लीजिएगा, मैं सब कमेंट्स को पढ़ता हूँ, सब कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। सो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जब
भी आपको डाउट आए तुरंत आप कमेंट कीजिए और डाउट आप लोग पूछ लीजिए, उसी टाइम पे क्लियर कर ले बेटर रहेगा, ठीक है। सो डोमेन्स क्या होती है? डोमेन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि सेट ऑफ वैल्यूज, ऐसे मैं कह सकता हूँ डोमेन का मतलब क्या हो जाएगा, सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच, सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच एन एट्रीब्यूट, फ्रॉम विच एन एट्रीब्यूट टेक्स वैल्यूज। सो इसको ऐसे समझ लीजिएगा, डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच एन एट्रीब्यूट टेक वैल्यूज। इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन वो हो जाएगा उन सारी वैल्यूज का सेट हो जाएगा जहां से कोई एक एट्रीब्यूट है वो वैल्यू को लेता है। इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ, जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, इसका एग्जाम्पल इधर ले लेता हूँ मैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हम आईडी कॉलम की बात करें, आईडी कॉलम है, इसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा इंटीजर वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज का सेट। तो कहने का मतलब क्या है, डोमेन क्या हो गया, उन सारी वैल्यूज का सेट होता है जहां से उस एट्रीब्यूट की वैल्यू हो सकती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया आईडी, तो आईडी वाला जो एट्रीब्यूट है, जो आईडी वाला कॉलम है, इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है, कहाँ से वो वैल्यूज आएंगी, कहाँ से वो वैल्यूज आती हैं, उन सारी वैल्यूज का सेट क्या कहलाता है, डोमेन। तो मैंने बोल दिया कि आईडी के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, आईडी के लिए डोमेन हो जाएगा इंटीजर वैल्यूज, मैं बोल दूंगा इंटीजर वैल्यूज। तो जितनी भी सारी इंटीजर वैल्यूज हैं उनमें से कोई एक वैल्यू आईडी की वैल्यू हो जाएगी, आईडी वाले कॉलम की वैल्यूज होगी, तो वो सारी इंटीजर वैल्यूज का सेट क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। समझ आ गया होगा आपको, जैसे यहाँ पे एज हो जाएगा, इसके लिए भी डोमेन इंटीजर वैल्यूज हो जाएगा, क्योंकि एज है डोमेन है, जो एज है जो इंटीजर वैल्यू ही होगी कोई, तो हम कह सकते हैं एज के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, सारी इंटीजर वैल्यूज का सेट। कोई भी एक इंटीजर वैल्यू हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। क्या 1000 एज हो सकती है, नहीं हो सकती। तो एज के लिए यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, अगर एज है तो आईडी के लिए तो डोमेन इंटीजर वैल्यूज हो जाएगी, क्योंकि आईडी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जितना बड़ा इंटीजर वैल्यू जा सकती है उतनी बड़ी आईडी की वैल्यू हो सकती है। तो आईडी के लिए डोमेन क्या हो जाएगी, सारी इंटीजर वैल्यूज का सेट। समझ लो डोमेन क्या होता है, जहां से वैल्यूज ली जाती है, जो सेट वैल्यूज का सेट, जिनसे वैल्यू किसी कॉलम की वैल्यूज हो सकती है ली जाती है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। अब एज का एग्जांपल हम लेते हैं, एज के लिए डोमेन क्या हो सकता, एज के लिए डोमेन मैं कह सकता हूँ कि इंटीजर वैल्यूज फ्रॉम 1 to 100, ऐसे में कह सकता हूँ। अगर हम मान के चलें कि एज है जो 100 तक ही जा सकती है, मैक्सिमम एज 100 हो सकती है किसी पर्सन की, तो हम कह सकते हैं कि एज के लिए डोमेन क्या हो जाएगी, 1 to 100 तक इंटीजर वैल्यूज। तो एज की वैल्यू मतलब कि 1 to 100 के बीच में कुछ हो सकती है, 19, 20, 80, 59, 60, 99 या 100 भी हो सकती है। सो डोमेन हो गया उन सारी वैल्यूज का सेट जहां से किसी कॉलम की वैल्यूज ली जाती हैं या जिनमें से किसी कॉलम की वैल्यू हो सकती है। तो इस तरीके से अलग अलग कॉलम्स के लिए अलग अलग डोमेन हो जाएगा, जाहिर सी बात है कोई यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आईडी के लिए डोमेन अलग हो जाएगा, एज के लिए डोमेन अलग हो जाएगा, नेम्स के लिए डोमेन अलग हो जाएगा। नेम्स क्या हो गया, नेम्स हो जाएगा कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स का सेट, जैसे ए से लेके जेड तक कैरेक्टर्स का सेट, उनमें से ही मिलके कुछ बनेगा नेम। तो ये हो गया डोमेन, डोमेन का मतलब जहां से वैल्यूज ली जा सकती हैं। तो वो सेट, सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच एन एट्रीब्यूट टेक्स वैल्यू, दैट इज कॉल्ड डोमेन। समझ आ गया होगा आपको, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। आगे हम बात करते हैं फिफ्थ यहाँ पे, डिग्री। डिग्री क्या होता है, डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स कह सकता हूँ, या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कह सकता हूँ, या नंबर ऑफ फील्ड भी कह सकता हूँ, कुछ भी कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट या नंबर ऑफ फील्ड, क्योंकि हमने देखा कॉलम्स को ही क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं, कॉलम के नेम को ही क्या बोलेंगे, फील्ड्स बोलेंगे। सो नंबर ऑफ कॉलम्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं, या नंबर ऑफ फील्ड्स कह सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ फील्ड्स क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। सो अगर मैं इस टेबल की बात करूं तो इस टेबल की डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी इसकी डिग्री, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ फील्ड्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, एज, नेम, मार्क्स और एज, सॉरी आईडी, नेम, मार्क्स और एज, 4 कॉलम है, 4 एट्रीब्यूट है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4। ये इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, डिग्री और कार्डिनलिटी पूछा जाता है आपसे, ये मैं आपको इस पे स्टार कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। टपल वगैरह भी पूछे जाते हैं, ऐसी चीज़ पूछ लेते हैं, टपल क्या होता है, डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है नंबर ऑफ रोज, इस टेबल की डिग्री क्या हो जाएगी, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स उसमें हैं वो उसकी डिग्री हो जाएगी। और कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, सो नंबर ऑफ रोज क्या कहलाएगा, कार्डिनलिटी। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 रोज हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा, 5। सो
डिग्री, कार्डिनलिटी और टपल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो सारे इंपॉर्टेंट है। रिलेशन क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, टपल क्या होता है, डोमेन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, कार्डिनलिटी क्या होता है, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। मैंने एग्जाम्पल से यहाँ पे आपको समझाया है, मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था, कुछ टर्म्स थे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड। ऑलराइट, सो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशनल जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की नहीं कहेंगे हम, रिलेशन की बात करेंगे। और रिलेशन क्या हो जाएगा, कह सकते हैं टेबल। जो टेबल है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या मतलब, टेबल है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, कुछ रूल्स हो सकते हैं, कुछ नियम्स हो सकते हैं कि इन नियम्स को फॉलो करना होगा, इस टेबल में इस टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं। मतलब कि कुछ नियम्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको फॉलो करना होता है हर रिलेशन को, यानी हर टेबल को उनको फॉलो करना होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं उनको हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पे नंबर वन है, ईच एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन हैज ए यूनिक। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो यही हो जाएगी, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही हो जाएगा कि किसी रिलेशन में कोई एट्रीब्यूट है उसका नाम यूनिक होना चाहिए। मतलब कि उसका नाम डुप्लीकेट नहीं हो सकता, उसका नाम रिपीट नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एट्रीब्यूट है वो एक नाम के दो एट्रीब्यूट नहीं हो सकते हैं, यानी एक नाम के दो कॉलम नहीं हो सकते हैं। तो यही ये पहला नियम क्या हो जाएगा, ईच एट्रीब्यूट इन ए रिलेशनशिप इन ए रिलेशन हैज ए यूनिक नेम। मतलब हर एट्रीब्यूट किसी टेबल में जो एट्रीब्यूट हैं, जो कॉलम के नेम हैं, वो यूनिक होने चाहिए। मतलब कि वो रिपीट नहीं हो सकते, एक कॉलम सॉरी दो नाम के दो कॉलम के सेम नाम नहीं हो सकते, या कह सकते हैं एक नाम के दो कॉलम नहीं हो सकते। सो पहला, जैसे यहाँ पे आईडी है, नेम है, मार्क्स हैं, एज है, तो ये यूनिक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आईडी नाम से दो कॉलम हो गए, एज नाम से दो कॉलम हो गए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ऑलराइट, नंबर टू है, सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन डजंट मैटर। यानी जो रिलेशन कोई जो टेबल है, रिलेशन का मतलब टेबल, जो टेबल है उसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं यानी जो कॉलम्स हैं, अब देखो एट्रीब्यूट मैं समझा चुका हूँ क्या होता है, एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम के नेम और रिलेशन का मतलब टेबल, तो कन्फ्यूज ना हो। तो सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन डजंट मैटर, यानी जो एट्रीब्यूट है किसी टेबल में जो कॉलम्स हैं उनका सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे पहले आईडी आएगा, फिर नेम आएगा, फिर मार्क्स आएगा, फिर एज आएगा, ऐसा मैटर नहीं करता है। ये ऐसे भी हो सकता है, आईडी आ गया, फिर एज आ गई, फिर नेम आ सकता है, तो कैसे भी हो सकता है, सीक्वेंस है वो मैटर नहीं करता है। मतलब आगे पीछे कैसे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं हो। नंबर थर्ड क्या है, नंबर थर्ड है, ईच टपल इन ए रिलेशन इज डिस्टिंक्ट एंड मस्ट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड। इसका मतलब क्या हुआ, टपल का मतलब क्या हुआ, देखो रिलेशन का मतलब तो टेबल हो जाता है, टपल का मतलब रो हो जाएगा, कन्फ्यूज ना हो क्योंकि मैं समझा चुका हूँ। सो ईच टपल इन ए रिलेशन, इसका मतलब रिलेशन में प्रत्येक रो, जो एक रो होती है वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब होना चाहिए, वो का मतलब यूनिक ही होता है, मतलब यूनिक होना चाहिए, एंड मस्ट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड, मतलब वो यूनिक होनी चाहिए, सेम रो दोबारा रिपीट नहीं हो सकते, कहने का मतलब ये हुआ। और वो यूनिकली आइडेंटिफाई होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ये रो है, हार्स नेम है उसका, मास उसका 90 है, एज उसकी 19 है, और उसका आईडी क्या है, 1। जब मुझे इस स्टूडेंट्स की डिटेल को आइडेंटिफाई करना है, मतलब सर्च करना है टेबल में, तो मैं किसी भी बेस, कोई कॉलम तो होगा, कोई एक एट्रीब्यूट होगा, उसके बेस पे सर्च करूंगा, तो मैं सर्च कर दूंगा भाई कि उसकी मुझे आईडी पता है, उसकी आईडी क्या है, उसकी आईडी है जो 1 है हर्ष नाम के स्टूडेंट की। तो मुझे जब हर्ष नाम के स्टूडेंट का डेटा सर्च करना है, मतलब कि हर्ष नाम की जो डिटेल्स हैं उस रो को सर्च करना है, पूरी रो को, टपल को सर्च करना है, तो मैं किसके आधार पर सर्च कर सकता हूँ, आईडी के आधार पर सर्च कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसकी आईडी 1 है। तो आईडी जो कॉलम है वो सारी रो को आइडेंटिफाई करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। कहने का मतलब यही है कि हर जो रो होती है, टपल होती है रिलेशन में, वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, मतलब यूनिक होनी चाहिए, और वो किसी एक कॉलम के द्वारा आइडेंटिफाई भी की जानी चाहिए, यूनिकली आइडेंटिफाई की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आईडी नाम का एक वन नाम की एक स्टूडेंट है उसकी आईडी 1 है, और वापस से एक स्टूडेंट और है उसकी आईडी भी 1 हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा।
क्योंकि जब वन आईडी के दो स्टूडेंट हो जाएंगे तो कैसे पहचानेंगे हम, कैसे उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अभी तो मैं कह सकता हूँ कि जिसकी आईडी वन है वो हर्ष नाम का स्टूडेंट है और उसकी डिटेल्स ये हैं, बट जब एक आईडी के दो स्टूडेंट हो जाएंगे तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए बोल रखा है कि जो टेबल में जो रिलेशन होती है, जो उसमें जो टपल होती है, जो रोज होती है, वो यूनिकली आइडेंटिफाई होनी चाहिए, वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। आगे नंबर फोर्थ हो जाएगा, सीक्वेंस ऑफ टपल इन ए रिलेशन डजंट मैटर। जैसे यहाँ पे लिखा था मैंने sequence of attribute doesn't matter, इस तरीके से sequence of tuples in a relation doesn't matter, यानी sequence matter नहीं करता। ऐसा जरूरी नहीं है पहले वन आईडी वाली रो आएगी फिर सेकेंड आईडी वाली रो आएगी फिर थर्ड, ऐसे नहीं है, पहले 1, 3, 4, 2, 5 कुछ भी हो सकता है। सो आईडी का जो sequence है, order है, वो matter नहीं कर। नंबर फाइव हो जाएगा यहाँ पे, एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट बी फ्रॉम सेम डोमेन। अब ये तो मैंने आपको बताया था डोमेन क्या होता है, डोमेन वो सारी वैल्यूज का सेट हो जाएगा जिनसे किसी एट्रीब्यूट या कॉलम की वैल्यू ली जाती है। तो एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज हैं वो एक ही डोमेन से होनी चाहिए, यानी कोई एक कॉलम है, कॉलम की बात कर रहा हूँ, कोई एक कॉलम है उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो जो उस कॉलम का जो डोमेन है उसी से होनी चाहिए। जैसे आईडी है, अब हमें पता है कि आईडी का डोमेन क्या हो जाएगा, इंटीजर वैल्यूज हो जाएगा, तो जो इस कॉलम में सारी वैल्यूज होंगी वो इंटीजर वैल्यूज ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंटीजर वैल्यूज उसका डोमेन है, उसको ही है जो यहाँ पे नेम हो रहा है उसमें हम स्ट्रिंग डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है जो कॉलम जिस टाइप का है, जिस टाइप की उसमें वैल्यूज होनी चाहिए, जो उसका डोमेन है उसी में से उसकी वैल्यूज होनी चाहिए, कहने का मतलब। नंबर सिक्स हो जाएगा, ईच एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट बी एटॉमिक। जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है, यानी जो कॉलम्स की वैल्यू है, किसी फील्ड की जो वैल्यू है, वो एटॉमिक होनी चाहिए। एटॉमिक का मतलब कह सकते हैं कि जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी कुछ इस तरीके से नहीं हो सकता। जैसे मैं इसकी आईडी की वैल्यूज क्या हो जाएंगे, जैसे 1, 2, ऐसे नहीं हो सकता। एक तो एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, और एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। सो यहाँ पे अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर सेवन क्या हो जाएगा, नो एट्रीब्यूट कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज। ये भी लगभग इसी के सेम हो जाएगा, यानी कोई एट्रीब्यूट है, कोई भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं हो सकता है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हो। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे नेम नाम का कॉलम है और नेम नाम के कॉलम में ऐसे लिख दिया हमने राम कॉमा मोहन, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यूज यहाँ पे डाल दी, ऐसे नहीं हो सकता। जैसे एज नाम का कॉलम है उसमें हमने लिख दिया 90, 20, सो ये गलत हो जाएंगे, ये सारी गलत हो जाएंगे। मतलब एक कॉलम में एक ही वैल्यू होनी चाहिए, किसी भी एट्रीब्यूट के एक कॉलम में एक ही वैल्यू हो सकती है, एक से ज्यादा वैल्यूज एक कॉलम में हम स्टोर नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल मैं यहां पे दूं, जैसे मोबाइल नाम का, मोबाइल नंबर नाम का कॉलम है, तो मोबाइल नंबर तो एक से ज्यादा हो सकते हैं एक स्टूडेंट के, क्योंकि आजकल सबके पास एक से ज्यादा मोबाइल नंबर होते हैं, तो एक कॉलम में एक ही मोबाइल नंबर आ सकता है। ऐसा नहीं है कि एक कॉलम में दो मोबाइल नंबर आपने डाल दिए तो वो गलत हो जाएगा। टेबल में एक कॉलम में ऐसे समझ सकते हैं, एक कॉलम में एक ही वैल्यू आ सकती है, मल्टीपल यानी एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं आ सकती हैं। और लास्ट और नंबर एट क्या हो जाएगा यहाँ पे, नल वैल्यू इज यूज टू रिप्रेजेंट द अननोन वैल्यू और एम्प्टी वैल्यूज। अब मान लीजिए आपके टेबल में कोई एक ऐसा कॉलम हो सकता है कि यार इसकी वैल्यू तो मुझे नहीं पता, या इसकी वैल्यू तो मैं खाली छोड़ूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता, या यूजर है जो नहीं देना चाहता, या हमें पता नहीं है। तो किसी कॉलम में कोई वैल्यू है, किसी कॉलम की कोई वैल्यू है उसका हमें नहीं पता मान लीजिए, तो उसको हम खाली छोड़ सकते हैं, खाली नहीं छोड़ेंगे, या कह सकते हैं कि वो एम्प्टी वैल्यू है या अननोन वैल्यू है जो उसका हमें नहीं पता, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नल से रिप्रेजेंट करेंगे। नल, नल का मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं नथिंग, मतलब कुछ नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि जो राम नाम का स्टूडेंट है उसके मुझे एज नहीं पता, तो मैं एज नहीं पता तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, नल यहाँ पे लिख सकता हूँ। मान लीजिए जो प्रतीक नाम का स्टूडेंट है उसके मार्क्स नहीं पता, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, नल यहाँ पे लिख सकता हूँ। सो कहने का मतलब है टेबल के किसी कॉलम की वैल्यूज हमें नहीं पता, तो उसको एमपीटी छोड़ने के बजाय उसमें नल हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो नल का मतलब होता है नथिंग या कुछ भी नहीं, मतलब उसकी वैल्यू हमें नहीं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं एक टेबल की जो हर टेबल को यहाँ पे फॉलो करना होगा, जो भी टेबल होगी इन सारे रूल्स को फॉलो करेगी, डेफिनेटली फॉलो करेगी। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और लास्ट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कीज के बारे में, की क्या होता है, सबसे पहले तो वही बात कर लेते हैं की क्या होता है।
जैसे हमारे पास क्या होता है, लॉक होता है, उसकी की होती है, या हम कह सकते हैं आंसर की भी होती है, हमारे पास कोई क्वेश्चन है उसके आंसर की होते हैं। तो इसी तरीके से जो टेबल होती है हमारी, उसकी भी की होती है। की बेसिकली क्या काम आती है, जैसे अगर हम बात करें हमारे पास लॉक होता है तो उसकी की होती है जो लॉक को ओपन करने के काम में आती है। इसी तरीके से टेबल की भी की होती है जो क्या काम आएगी, टेबल में जो रोज हैं उनको आइडेंटिफाई करने के काम में आएगी। तो ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने आपको बोला था लास्ट स्लाइड में कि जो टेबल है उसमें हर रो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होनी चाहिए, कोई एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो उस रो को आइडेंटिफाई करे। ऐसा कॉलम या ऐसा एट्रीब्यूट जो पूरी रो को, पूरी एक टपल को, पूरी एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, यूनिकली उसको पहचान सके, तो वो क्या कहलाएगा, वो कॉलम क्या कहलाएगा, की कहलाएगा। की क्या है, की सिंपल क्या कह सकता हूँ मैं, एक कॉलम नेम, कॉलम या मैं कह सकता हूँ एट्रीब्यूट नेम विच इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रो इन ए रिलेशन। अब रिलेशन का मतलब आपको पता है टेबल है, इसलिए मैं रिलेशन लिखूंगा। सो की क्या हो जाएगा बेसिकली, कि वो कॉलम हो जाएगा या वो एट्रीब्यूट हो जाएगा विच इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रो इन ए रिलेशन। मतलब एक टेबल में रो है, किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जिस कॉलम को काम में लिया जाएगा, जिस एट्रीब्यूट को काम में लिया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, की कहलाएगा। जैसे मैं बात करूं इस टेबल की, तो मैं कह दूंगा कि यार इस टेबल में जो आईडी है वो यहाँ पे क्या है, की है। जो आईडी नाम का एट्रीब्यूट है, आईडी नाम का जो कॉलम है, वो क्या हो जाएगा, की हो जाएगा। क्योंकि आईडी नाम के एट्रीब्यूट से मैं सारी रोज को पहचान सकता हूँ। मान लीजिए मुझे पता है कि प्रतीक नाम का स्टूडेंट है, उसकी आईडी थर्ड है, तो मैं आराम से, मुझे आईडी पता होगा, मैं पूरी रो को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो हर टेबल में एक की होती है, ये भी जरूरी है, ये भी मस्ट है। हर टेबल में मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, अभी तो हम की यहाँ पे समझ रहे ना, की क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट ईच रिलेशन मस्ट हैव ए की, यानी हर रिलेशन की एक की होगी होगी, जरूरी है। और की कहूँ या फिर मैं इसको आगे बोलूँ प्राइमरी की, यहाँ पे बोल सकता, मतलब हर टेबल की एक प्राइमरी की होगी ही होगी। टेबल है तो उसके अंदर कुछ रोज भी हैं, तो उन रोज को हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे, उसकी प्राइमरी की होगी, उसमें की होगी, तभी तो पहचानेंगे। इसलिए हर टेबल की एक की जरूरी है। तो मैंने नोट यहाँ पे लिख दिया, ईच रिलेशन मस्ट हैव ए प्राइमरी की। अब प्राइमरी की का ही एक टाइप है, वो जस्ट अभी हम बात करेंगे कि यहाँ पे प्राइमरी की क्या होती है। की अभी तो हमने देखा है, की क्या होता है, की एक ऐसा कॉलम होता है, एक या एक से अधिक कॉलम भी हो सकता है, ऐसा कॉलम जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए काम में लिया जाता है रोज को किसी टेबल में, ठीक है, तो वो कहलाएगा की। अब की के यहाँ पे टाइप्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप होती है। की की अलग अलग टाइप होती है, नंबर वन हो जाएगा कैंडिडेट की, नंबर टू हो जाएगा प्राइमरी की, और नंबर थर्ड हो जाएगा अल्टरनेट की, नंबर फोर हो जाएगा कंपोजिट प्राइमरी की, और नंबर फाइव हो जाएगा यहाँ पे फॉरेन की। तो ये पांच मेन टाइप हैं की के, की है जो कैंडिडेट की हो सकती है, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, कंपोजिट की और फॉरेन की। और मैंने यहाँ पे नोट में लिखा था कि हर एक टेबल की एक प्राइमरी की तो जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ये अलग अलग कीज हैं, ये क्या होती हैं, इनको यहाँ पे समझ दें और फिर वीडियो को यहाँ पे हम एंड करेंगे और आपका चैप्टर है वो भी यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। सो सबसे पहली की हो जाएगी कैंडिडेट की। सो कैंडिडेट की क्या हो जाएगी, वो सारे ध्यान से सुनिएगा, वो सारे कॉलम्स का सेट जो एक प्राइमरी की हो सकता है, या वो सारी कॉलम्स का सेट जो किसी टेबल में रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है, वो कहला देगा यहाँ पे कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की क्या हो जाएगा, सेट ऑफ कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स विच यूनिकली आइडेंटिफाई ए रो, इतना सही लिख देता हूँ, मतलब कि उन सारे कॉलम्स का सेट जो टेबल में रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है वो कहलाएगा यहाँ पे कैंडिडेट की, मतलब उनका सेट। जैसे मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल लूँ तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए आईडी है, अभी के लिए तो नेम भी हो सकता है, अगर हम इस टेबल की बात करें तो नेम भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की हो जाएगा, इसमें दो ही कॉलम है ऐसे। तो जैसे आईडी है, हर स्टूडेंट की अलग अलग आईडी है, यूनिक आईडी है, तो उनसे पहचान सकता हूँ मैं, और नेम भी अलग अलग है, जैसे हर्ष, सुरेश, प्रतीक, धनराज, राम, मतलब कोई भी नेम रिपीट नहीं हो रहा है, इस टेबल की बात कर रहा हूँ मैं जो एग्जांपल में दिखा रखा है आपको। तो इसमें नेम क्या है, नेम के हिसाब से भी हम पहचान सकते हैं क्योंकि सबका नेम यूनिक, मतलब की कौन सी वैल्यू हो सकती है, कि वो कॉलम हो सकता है जो इसकी वैल्यू यूनिक है। अब राम नाम के दो स्टूडेंट हो जाएंगे तो वो यूनिक नहीं रहेगा, मतलब मैं नहीं पहचान पाऊंगा, जो कॉलम की वैल्यूज यूनिक है वो की हो सकता है। कैंडिडेट की क्या हो जाएगी, वो सारी
कॉलम्स या वो सारे एट्रीब्यूट का सेट जो रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है किसी भी टेबल में, वो कहलाएगा कैंडिडेट की। अब आता है यहाँ पे प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या हो जाएगा? एक की विच इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रो, मतलब वही बात हो जाएगी। प्राइमरी की क्या हो जाएगा? ऐसी की जो टेबल में रिलेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, वो हो जाएगा प्राइमरी की। अब प्राइमरी की कैंडिडेट की में से ही कोई एक होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, कैंडिडेट की तो उन सारे कॉलम्स का सेट हो जाएगा जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रोज को। तो प्राइमरी की तो कोई एक कॉलम होगा, कोई एक कॉलम होगा जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रोज को। तो कहने का मतलब है कि प्राइमरी की है जो क्या हो जाएगा, वन ऑफ द कैंडिडेट कीज, यानी कैंडिडेट की में से ही कोई एक होगा प्राइमरी की, ठीक है। अब अल्टरनेट की क्या हो जाएगा, सेट ऑफ कैंडिडेट कीज एक्सेप्ट प्राइमरी की। मैं प्राइमरी की को पी के लिख देता हूँ, यानी कैंडिडेट की तो क्या हो जाएगा, सारे कॉलम्स का सेट जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, और प्राइमरी की क्या हो जाएगा, उनमें से कोई एक कॉलम प्राइमरी की बन जाएगा। कन्फ्यूजिंग, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। कैंडिडेट की क्या हो जाएगा, वो सारे कॉलम्स का सेट जो की हो सकता है, यानी जो कॉलम्स जो रो में किसी एक रो को आइडेंटिफाई कर सकता है यूनिकली, वो सारा सेट तो क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की। अब उनमें से कोई एक कॉलम है जो प्राइमरी की हो जाएगा। अल्टरनेट की क्या हो जाएगा, अल्टरनेट मतलब कि एक अल्टरनेट ऑप्शन, एक तरीके से हमारे पास अल्टरनेट चाबी होती है ना, कि अगर ये चाबी खो गई तो हम दूसरी चाबी से ओपन कर सकते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अल्टरनेट की मतलब हमारे पास कैंडिडेट की हैं बहुत सारी, एक तरह कह सकते हैं कि कीज का गुच्छा है हमारे पास, और ऐसे समझ सकते हैं कि उनमें से कोई एक की है जो प्राइमरी की हो जाएगा, मतलब कोई एक की से यहाँ पे लॉक खुल जाएगा। अब अल्टरनेट की क्या हो जाएगा, जो हमारे पास बहुत सारी कीज हैं, मतलब जो कैंडिडेट कीज हैं, उनमें से प्राइमरी की को हटा के जो बची हुई कीज हैं वो अल्टरनेट की हो जाएंगी। जैसे समझ सकते हैं इसका एग्जांपल कि हमारे पास बहुत सारी चाबियों का एक बंडल है, मान लीजिए इसमें बहुत सारी चाबियां हैं, 3-4 चाबियां। तो अब मान लीजिए ये सारी चाबियां हैं, तो ये तो क्या हो जाएंगी, कैंडिडेट की हो जाएंगी, क्योंकि ये तो सारी चाबियों का सेट, कीज का सेट है, ये क्या हो जाए, कैंडिडेट की। इनमें से कोई एक है जो लॉक को खोलने काम मिली जाएगी, यानी कोई एक है वो कैंडिडेट की प्राइमरी की हो जाएगी। तो कोई एक प्राइमरी की हो गई, मान लीजिए इस की को हमने प्राइमरी की बना दिया, तो जो अब रिमेनिंग है, मतलब जो गुच्छे में से एक को प्राइमरी की बना दिया, अब जो रिमेनिंग है वो क्या हो जाएंगी, वो अल्टरनेट की हो जाएंगी। मतलब हमने गुच्छे में से एक चाबी को निकाल लिया, तो अब बची की हैं वो भी तो अल्टरनेट की हैं, अगर वो खो गई तो उनमें से काम में ले लेंगे। तो जो अल्टरनेट की क्या हो जाएगा, जो कैंडिडेट कीज का सेट है उनमें से प्राइमरी की को हटा देते हैं, तो जो बची हुई कीज हैं वो हो जाएंगी अल्टरनेट की। तो मैंने क्या लिखा है, सिंपल लिखा है मैंने, सेट ऑफ कैंडिडेट कीज एक्सेप्ट पी के, मतलब एक्सेप्ट प्राइमरी की, यानी प्राइमरी की के अलावा जो कीज होती हैं वो अल्टरनेट की कहलाएंगी। अब कंपोजिट की क्या हो जाएगा, कंपोजिट की क्या हो जाएगा, ए की विच टेक्स मोर देन वन कॉलम, यानी ऐसी की, अभी तो हमने देखा कि एक की एक कॉलम है वो की हो सकता है, यानी की में एक ही कॉलम हो सकता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, एक की में एक से ज़्यादा कॉलम भी हो सकते हैं। मान लीजिए एक कॉलम है जो डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, एक से ज़्यादा कॉलम्स को मिला के भी की बना सकते हैं। तो ऐसी की जो एक से ज़्यादा कॉलम से मिलकर बनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट की। कंपोजिट की मतलब कि मोर देन वन कॉलम से मिलके बनी होती है, वो कहलाएगा यहाँ पे कंपोजिट की। जैसे इसका एग्जांपल लूँ, इसका एग्जांपल मान लीजिए कि हो जाएगा एफ नेम मतलब कि फर्स्ट नेम, और एल नेम हो जाएगा लास्ट नेम। तो ये इसका एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए फर्स्ट नेम हो जाएगा राम, और ये हो जाएगा मान लीजिए वर्म। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मान लीजिए मोहन, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ शर्मा। अब यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ मान लीजिए राम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यादव, कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए क्या यहाँ पे जो एफ नेम यानी फर्स्ट नेम और एल नेम लास्ट नेम, तो जो फर्स्ट नेम नाम का कॉलम है क्या वो की हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि वो यूनिक नहीं है। देखो राम नाम का यहाँ भी आ गया, राम यहाँ भी आ गया, तो रिपीट हो गया, मतलब हम इसको की नहीं बना सकते। तो एक कॉलम से की नहीं बन पा रही है, तो हम क्या करेंगे, दोनों कॉलम्स को मिला के की बना देंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब राम और मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को मिला के की बनाएंगे, तो अब देखिए राम और वर्मा, राम और यादव, यानी दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों से आप पहचान सकते हैं। यहाँ पे आगे भी कॉलम्स होंगे, मैंने सारा लिखा नहीं है, ठीक है, हो सकते हैं यहाँ पे कॉलम। तो कहने का मतलब है जब एक कॉलम से की नहीं बन पा रही है, तो हम एक से ज़्यादा कॉलम को मिला के भी की बना सकते हैं, और ऐसी की जो एक से ज़्यादा कॉलम से मिल के बनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड यहाँ पे कंपोजिट की। और लास्ट यहाँ पे फोरन की। फोरन की क्या हो जाएगा, ये बेसिकली क्या काम आती है, पहले मैं बता देता हूँ क्या काम आती है, यूज टू कंबाइन मोर देन वन टेबल्स, यानी एक से ज़्यादा टेबल्स को जब कंबाइन करना है, उनमें कोई रिलेशन बताना है, मतलब कि जब एक से ज़्यादा टेबल हैं उनमें कोई रिलेशनशिप बनाना है, यानी
जब हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि डेटा है जो दो टेबल्स में स्टोर होता है, तो दोनों टेबल से हमें डेटा चाहिए होता है, तो जब उन दोनों टेबल्स में कोई रिलेशनशिप बनाना है यानी कोई उनको कंबाइन करना है, तो वहाँ पे काम में ले जाती है फॉरेन की। सो फॉरेन की एक मैं बोल के बता देता हूँ क्योंकि आप ज़्यादा स्पेस बचा नहीं है, फॉरेन की क्या हो जाएगा, ऐसी प्राइमरी की किसी दूसरी टेबल की ऐसी प्राइमरी की जो दूसरी टेबल में दोनों को ज्वाइन, दूसरी टेबल में रिलेशनशिप बताती है, या मैं लिख नहीं पा रहा यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ एक की विच इज ए प्राइमरी की फ्रॉम अनदर टेबल विच इज यूज टू कंबाइन बोथ टेबल इज कॉल्ड फॉरेन की। ऐसे समझ सकते हैं फॉरेन की किसी, जैसे यहाँ पे मान लीजिए, मैं समझाई देता हूँ इसी में आगे समझा देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक टेबल ये है इसमें कोई डेटा हो सकता है, और एक टेबल हमारे पास ये है इसमें कोई डेटा हो सकता है, ये मान लीजिए टेबल टू हो जाएगी और ये टेबल वन हो जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई इसकी प्राइमरी की है, हर टेबल की प्राइमरी की होता है, और इसकी भी कोई प्राइमरी की है, यहाँ पे भी प्राइमरी की, क्योंकि मैंने बोला हर टेबल की प्राइमरी की होती है। सो किसी इस टेबल की हम बात कर रहे हैं, तो इस टेबल में कोई एक ऐसा कॉलम जो किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की है, मतलब मान लीजिए इस टेबल की जो प्राइमरी की है, भाई हम दोनों टेबल को ज्वाइन करना है तो हम क्या करेंगे, इस टेबल की, कहने का मतलब इस टेबल की प्राइमरी की है जो इस टेबल में काम में ली जाएगी, यानी कोई एक कॉलम इस टेबल में होगा प्राइमरी की का जो दूसरी टेबल की प्राइमरी की होगी। मान लीजिए ये टेबल की प्राइमरी की है ए नाम से कोई कॉलम है, तो ये ए नाम से कॉलम यहाँ भी होगा। कहने का मतलब अभी आपको समझ आएगा जब दो टेबल को ज्वाइन करने के काम में आती है, यानी किसी टेबल में एक ऐसा कॉलम जो किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की है उसको यहाँ पे एज ए रेफरेंस काम में लिया जा रहा है, एज ए रेफरेंस यहाँ पे काम में लिया जा रहा है। तो दो टेबल है इनको ज्वाइन करना है, मान लीजिए इसकी प्राइमरी की को यहाँ पे इस टेबल में काम में लिया जाएगा एज ए रेफरेंस, ताकि इन दोनों टेबल्स को कंबाइन किया जा सके, ज्वाइन किया जा सके, तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, फॉरेन की कहलाएगा। ठीक है ऐसी की, किसी दूसरी टेबल की ऐसी प्राइमरी की जो किसी दूसरी टेबल में एज ए रेफरेंस यहाँ पे काम में ली जाती है वो कहलाती है फॉरेन की। तो ये आपको यहाँ समझ आ गया होगा, देखो मैंने बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे समझाया, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आनी चाहिए आपको। कीज क्या होती है बिल्कुल एग्जांपल के साथ में मैंने अच्छे से यहाँ पे समझाया हुआ है, प्रॉपर्टीज क्या होती है रिलेशन की वो मैंने समझाया हुआ है, और रिलेशंस के क्या क्या यहाँ पे टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट, रिलेशन क्या होता है, एट्रीब्यूट, टपल, डोमेन, डिग्री, कार्डिनलिटी, सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। और हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि DBMS के टाइप कौन कौन से होते हैं, तो मेरे हिसाब से इस पूरी वीडियो में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं आएगी, प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं भी कोई डाउट हो, तो आप कॉमेंट करके बता दें, मैं सारे कॉमेंट्स को रीड करता हूँ, सबका रिप्लाई करूँगा। फिर भी आपको और ज़्यादा डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये सारे नोट्स हैं, जो सारी PDF है, जो भी मैं कुछ लिखा हुआ है, जो भी नोट्स हैं PDF की फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। सो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, ऐसा करना बिल्कुल फ्री है। ऐसे करने से क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप किसी भी वीडियो को मिस यहां पे नहीं कर पाएंगे। और आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे तो आपको इस पूरी सीरीज में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका फीडबैक है जो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, आपको कोई डाउट है या नहीं है, तो मुझे तभी पता चलेगा जब आप कमेंट करके बताएंगे, लाइक करके बताएंगे। तो कमेंट जरूर करें, आपको वीडियो समझ आ गई तब भी कमेंट करें, आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, कोई डाउट है तब भी कमेंट करें, आपका जो डाउट है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।